तो गाइस चीनू आ गई है, हैप्पी बर्थडे चीनू। ये खड़ी अपनी व्हाइट Z4, ये भाई ग्रीन कलर की मिनी कूपर। भाई ये देखना यार, ऐसी लग रही है बिल्कुल नाग ना फन उठा के खड़ा है। मिनी कूपर वर्सेस विनय की सुपर कार गाइस अभी होने वाली है, मिनी कूपर वर्सेस विनय की सुपर कार की। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। हाय गाइस, हाय कर दो। हेलो, मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओके भाई, जब से शादी हुई है ना, इनके पति ने इनको घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। अरे अभी थोड़ी देर ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ इसलिए। नहीं भाई, मैं बताता हूँ इन दोनों मियाँ बीवी का क्या सीन हो रखा है। मैं विकास भाई का इंस्टाग्राम देखता हूँ, बिल्कुल प्रताड़ित कर रखा है इनने अपने पति को, और इनके सेम बात की, और इनके पति ने इनको घर से बाहर निकलना बंद कर रखा है। आज वो मैंने इतना बोला, मैं विकास भाई शूट पे भेज दो यार, बाबू को शूट पे भेज दो। सिर्फ भैया की है कि इनके कहने से मैं यहाँ आई हूँ। मैंने बोला आपको टॉपिक दे दो कि हमारे मतलब ये कहते हैं अपनी बीवी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं भाई, कौन एक्सेप्ट करता भाई, पर इनकी ये बात है कि ये कितना भी लड़ ले चार दीवारी के अंदर तक रखते हैं, बाहर नहीं आने देते बात। ये बाहर नहीं आने देते बात, वो तो मेरे को पता लग जाती है भाईचारे में पर्सनली। पर ये अच्छा। भाई ये गलत है, ये जो मियाँ बीवी मिल के तुम एक दूसरे के साथ करते हो ना, ये बड़ी गलत बात है, ऐसा मत करा करो। देखो ये लोगों को आप टॉपिक दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत शरीफ है हम दोनों, बहुत देखो शरीफ में फंबल हो गया तो आप समझ सकते हो। आपको मेरी बात पे भरोसा है ना, जुबान लड़खड़ाई। अच्छी मजा आई। तो चलो गाइस, चलो ये तो मजाक था, खैर अभी हम ना शूट करने जा रहे हैं। गाड़ियाँ देखोगे? गाड़ी छोड़ो। अरे हाँ, रात को टायर फड़वा के लाई थी, दिखाइयो। दिखा। एक तो इसकी स्टेप नहीं देख यार, पन्नी लग रही है। ये देखियो स्कूटर का टायर। ओ भाई, अरे फेविकोल से चिपक गया मेरे ब्लॉक में। ओ भाई साहब, ये देखो भाई टायर फट गया पूरा। सिब्बू गिरी। यस, क्या बोलूं मैं तुझे, ये देखियो एक कॉमेडी। ओ भाई चल भाई, इतना तो शूट तक लोकेशन तक तो पहुंचेगी। बाकी भाई गाड़ियां देखो, ये खड़ी अपनी व्हाइट Z4, ये भाई ग्रीन कलर की मिनी कूपर, शूट में यूज होएगी ग्रीन कलर की मिनी कूपर, और विनय की ये खड़ी। विनय अपनी भी निकाल ले भाई। एक काम करो, तुम एक्सयूवी में जाओ, इसको मैं ले आता हूँ। ये JCW वाली है तो भाई अभी ड्राइव करूंगा मैं मिनी कूपर, आप उसमें चले जाना भाई एक्सयूवी में। तो भाई ये है मिनी कूपर गाइस। ओह शिट, फ्रेमलेस डोर्स। ओह शिट भाई साहब, मजेदार गाड़ी है वैसे, ये भी अच्छी है। तो भाई अपनी सामने एक गाड़ी जा रही है, ये कितनी मस्त लगती है ना देखना रोड पे चलती हुई। हाँ। ना ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही जा रहा है, ऐसा लगता है कोई कोबरा सांप चल रहा हो। वाइपर है ना। हाँ। वाइपर सांप, ये सही बोला क्या मैंने? बिल्कुल सही। कोबरा अलग होता, वाइपर अलग होता है। वाइपर लगता है इसके फन खड़े होते हैं, ऐसे चल रहा है। और कलर भी देखना ग्रे, वाइपर वाला। हाँ। देखना भाई, एनाकोंडा। एनाकोंडा नहीं, एनाकोंडा तो मोटा नाग हो गया। ऐसे क्या मोटा चौड़ा सा? नहीं मोटा तो नहीं है, पतली है और ऐसे है लुक वाइज बिल्कुल। विनय पे सूट भी करती है छोटी गिट्टी इस टाइप से ना, मतलब। चलो भाई इसकी छत खोल ले या ना, धूप हो रही है, चलो नहीं खोल रही है, मत खोलो। जब शूट करके आ जाएंगे ना सोसाइटी में, जब खोल के थोड़ी ऐसी रील वील बना लेंगे हम बढ़िया। भाई ये देखना यार, ऐसी लग रही है बिल्कुल नाग ना फन उठा के खड़ा है। ओ भाई मस्त लगती है, है ना, एक नंबर लगती है, बहुत सेक्सी गाड़ी है। देखना गाइस, ओ भाई साहब नंबर भी देखो इसका, बॉस स्कूल के बच्चे, स्कूल के बच्चे तो भाई अलग ही फैंस हैं। मैंने व्लॉग देखा था विनय का, सारे सिलेंडर वाले रिक्शे वाले सब भैया बहुत अच्छी है भाई, मैं मजा आ गया था देख के। सो गाइस यहाँ पे देखो मिनी कूपर वर्सेस विनय की सुपर कार। हाँ भाई कौन जीतेगा क्या लगता है? अपनी सुपर कार। क्या हम ड्रैग रेस कर रहे हैं? नहीं गाइस, अभी होने वाली है मिनी कूपर वर्सेस विनय की सुपर कार की शूटिंग। भैया आपको क्या लगा, ड्रैग रेस करेंगे? भाई लोकेशन है ये ड्रैग रेस की, देखना ये, देखना ये रोड है हालांकि, बट हम अभी शूटिंग करने आ रखे हैं अपने मेन चैनल के लिए। तो वर्सेस में तो हम करेंगे कंपैरिजन, बट अभी शूट कर रहे हैं, ड्रैग रेस नहीं कर रहे भाई। तो गाइस इतनी गर्मी हो रखी है ना, और धूप में हम लोग शूट करने लग रहे हैं, और हमारे साथ होगी एक बहुत खतरनाक दिक्कत। दिक्कत ये होगी भाई, अपना कैमरा हीट मार गया है गर्मी के कारण, तो अभी इसको एसी के सामने कर रखा है ताकि ये कूल हो जाए अच्छे से। होगा कुछ फर्क पड़ा भाई? हो गया ऑन। ऑन हो गया, ठीक है थोड़ी देर और कर ले ठंडा ताकि अच्छे से फिर हम थोड़ा लंबा शूट खींच पाए। आग लगे चाहे बस्ती में, सिब्बू तो रहती मस्ती में। भाई हम वहाँ गर्मी में शूट कर रहे हैं, और इसको देखो यहाँ क्या करूँ फिर, क्या हाल है सिब्बू? 10:40 में उठ गई थी, 11:30 तक रेडी हो गई थी, और जब और अभी बज रहे हैं 3:28, मतलब 3:30 बज गए, और तब से ऐसी तैयार होकर सज धज के बैठी। ऐसी होता है शूट पे, बता यार हम धूप में स्ट्रगल कर रहे हैं और तू सिब्बू यहाँ छाव में पड़ी है, बताओ। बस ऐसे ही है लग्जरी लाइफ, लग्जरी लाइफ राजभोग।
तेरी जिंदगी में राजभोग लिखा है। फ्री में कोल्ड ड्रिंक पीजिए। हाँ सही है भाई, चलो भाई स्टार्ट करो। क्या रह गया? अरे बाद में मार लियो भाई, इसको शूट कर ले अभी। भाई 3:30 हो गए हैं, हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया शूट करते हुए, लेकिन अभी तक एक भी डायलॉग वाला सीन नहीं हुआ। सिर्फ अभी तक गाड़ियों के सिनेमैटिक शॉट चल रहे थे। अब 1 घंटे बाद सारे सीन खत्म करके अब डायलॉग स्टार्ट हो रहे हैं। और ये 1 घंटे का शूट जो हमने किया है, ये वीडियो में सिर्फ 30-40 सेकंड का लगना है, लेकिन फिर भी 30-40 सेकंड के लिए इतना टाइम लग गया, वो भी धूप में। इतनी मेहनत करते हैं हम लोग, यहाँ 30-40 सेकंड निकालने के लिए पूरा 1 घंटा। तो भाई अभी सैलून का शूट था, वो शूट खत्म करके ये देखो भाई, बुखड़ बुखड़ लोग आ गए सारे ठोकने के लिए और ठूसने के लिए अपने पेट के अंदर। तड़कता भड़कता चाइनीज आइटम। सिब्बू क्या ठूस रही है तू? मोमोज नहीं, मोमोज और एक और चीज थी साथ में, स्प्रिंग रोल। प्रियल मोमोज पिज्जा। और गाइज मैं ठूस रहा हूँ पानी, क्योंकि मैं सुबह से खुद ही ऑर्डर किया और भाई ऑडियंस की डिमांड थी। ऑडियंस की खाएगा? हैं? नहीं खाएगा, टेस्ट कर लूंगा, पर ऑडियंस की डिमांड पे मंगाया था मैंने पूछ के। मैं तू तेरे को पता तो मैं फास्ट फूड कम ही खाता हूँ, घर का खाना कम खाता है ये बोल। तो भाई अभी मोमोज आ रहे हैं, पिज्जा आ रहा है, स्प्रिंग रोल आ रहे हैं और 2 बुखड़ और आ गए। चाइनीज आइटम सुनते ही आ जाते हैं। ये तो है ही चाइनीज आइटम, देखो देखो भाई देखो कैसे होगा, पागल हो गया। मेड इन चाइना है, बिचल गया क्या करूं। आगे भाई मोमोज पनीर के और वेजी के, और सिब्बू लपेटने लग गई सबसे पहले। वाओ सिब्बू उतना खाती है, तू इतना खाती है ना बाहर का, वन डे यू विल बिकम वेरी फैट। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कह रही मैं तो खाऊंगी। तो भाई कभी मेरी गाड़ी में आपने देखा है पीछे वाले टायर में एरर आ रखा है? क्योंकि भाई स्टेप नहीं लगी हुई है पीछे, एरर ही हो गया पूरा। बाकी अभी कितना टाइम हो गया, 7:40 हो गई, और अभी हम एक दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं अपना अगला सीन शूट करने के लिए। वहाँ से निकलते निकलते रात के 10 बज जाएंगे, फिर 10 बजे वापस घर आएंगे, उसके बाद नाइट में एक और सीन करना है। मेरे को तो लग रहा है भाई 2-3 बजे आज फिर हमारा शूट खत्म होगा। खत्म नहीं होगा, बहुत सारा बचेगा जो फिर परसों करूंगा, क्योंकि कल तो भाई यूट्यूब के इवेंट में जाना है। हाँ भाई लोग कह रहे हो हाथ मिलाओ, वो ये अलॉय कहाँ से लगवाया टायर का? ये अलॉय ये बहुत महंगा है भाई, ये बहुत महंगा है, ये मैंने वहां से इंपोर्ट करवाया है दुबई से। व्हाइट गोल्ड है क्या? हाँ दुबई से मंगवाया मैंने। सही लग रहा है, सही लग रहा है, हेलो ये बढ़िया लग रहा है। ये भाई स्टेप नहीं है, इसका टायर फट गया। स्कूटी में लगवा दो। हाँ लग जाएगा इसमें, ये वाला चाहिए बड़े। टायर फट गया था कल रात को, पता है ऐसे 4 उंगली अंदर घुस रही है उस टायर में, इतना बड़ा कट है उसमें। तो 500 वाला टायर बन गया फिर। हाँ भाई लुक आ रही है वैसे, देख ले सफेद एलॉय है। सो गाइस अभी हम लोग आए थे ऑफिस की लोकेशन पे शूट करने के लिए, तो चलो अब आपको मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट। यार भाई मत करो यार, ये सीन ले लो उसके बाद मैं नहीं लेना भाई। क्या यार इस सीन के बाद कर लेना भाई। ब्याह में आ रहे थे और विनय भाई देख आई है 40 रोटी और ये 40 रीटेक। विनय ऐसे हो रहा है खाली बैठा बैठा सीन में, एक बार बैठा बैठा ही ले जा रहा, ऐसे जा रहा है ना, हमें करने दे रहा ना खुद भाई कट टू कट है ना, क्यों इतना बोल रहा है? बट तो ऐसे रहा है, टेक में बोलेगा कट टू कट भाई, कट टू कट है, सुनो कट टू कट करने है भाई, क्यों टाइम बोल रहा है? चलो भाई स्टार्ट करते हैं भाई, माइक लगाओ। लगा लिया ना, एक्शन भाई। 1 मिनट क्यों कर रहा है? देख ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं? एक्शन है भाई, ये ब्लॉग बना रहा तो मैं हंसूंगा ही जानबूझ के, क्लिप तो निकली बनते ही। ओह हंसेगा तू जानबूझ के तू? हाँ अभी देखता हूँ कितना एक्शन करेगा। बस ठीक है एक्शन, पहले हम वीडियो देख रहे हैं लैपटॉप में। एक्शन देखो भाई, इन सिंगल लोन मन करते आ रहे थे भाई, मत करो भाई। क्यों हंस रहा है? बैठा मेरे सामने तो भाई, तू क्यों हंस रहा है? एडिटिंग करना है, वो भी तो कैमरा ही है भाई, वो शूट कर रहा है उसमें, वो भी तो कैमरा ही है। कैमरा से बना ले, फ्रंट से मत बना, मेरी शक्ल दिख रही है मेरे को यार। अच्छा अजीब लग रहा है, इतनी देर से जब कैमरा ऑन नहीं था, ब्लॉग ऑन नहीं था, हमारे सीन जब चल रहे थे, जब क्या कर रहा था तू? कर कर भाई स्टार्ट है, एक्शन है चल। 1 2 पहले स्क्रीन देख, एक्शन देखो भाई। यार कुछ लोग होते हैं ऐसे स्माइलिंग फेस वाले, होते नहीं है भाई जिनका चेहरा हमेशा। फिर आपने 1 घंटे पहले तो तेरा स्माइलिंग फेस नहीं था, जब तो तेरा लेडी बॉय वाला मुंह बना हुआ था, लेडी बॉय वाला मुंह था उस टाइम। एक्सप्रेसिव है, एक्टर है, क्या करे, उस टाइम लेडी बॉय बना हुआ था ये, लेडी बॉय। हां ओके 1 2 3 एक्शन। देखो भाई इन सिंगल लौंडों को चाहिए, इनकी बुद्धि मारी गई है, इनको अपनी हस्ती खेलती जिंदगी बिल्कुल कर रहा था भाई। आपने देखा इन्हें कैसे देखा है?
भाई तो स्क्रीन में देख, मुझे देख, मैं बोल रहा हूँ मुझे देख रहा हूँ, वही देखे जा रहा है, पहले हंस जाते हैं और फिर मेरी तरफ देख के एक बार और हंसते हैं, फिर कहते हैं हंस आ रहा है, पहले खुद हंसेगा, यश को देख के बोलेगा कि हंस जा रहा है, कल आपने भी पहले खुद हंस रहा है, पाल के बंद कर दे, चलो भाई फिर कर लेगा, माँ कसम का, कसम क्या होती है, कर लूंगा भाई, भाई इसने खून पी लिया। सो गाइज वापस घर आ गया हूँ, अभी तो शूट करना था और बट नहीं हो पाएगा, और ये देखो भाई ये खाऊंगा चाय और बिस्कुट, और फिर उसके बाद पता है क्या करूँगा, पता है क्यों नहीं शूट हो पाएगा, दिखाता हूँ रुको, गोली लेके आया हूँ भाई, तबीयत हो चुकी है डाउन, गले से आवाज़ भी पता लग रही होगी, अजीब सी हो गई, गले में दर्द हो रहा है, नाक में दर्द हो रहा है, ऊपर यहाँ तलवे में अजीब सा हो जाता है ना, पूरा गले से लेकर नाक तक का ये जितना भी पोर्शन होता है पूरे में दर्द हो रहा है, खांसी आ रही है, और शरीर टूट रखा पूरा। सिब्बू को मैंने पहले ही फ़ोन करके रेडी करवा दिया था, अभी वो अपना वापस से अनरेडी हो रही है क्योंकि सिब्बू के साथ है शूट करवा चौथ की वीडियो का, सिब्बू का वाइफ का कैरेक्टर है, तो सिब्बू अब रेडी हो रखी थी, पर अब वापस से कपड़े चेंज करके वो भी अपना नॉर्मल हो रही है। अब मैंने उसको आगे बताया कि नहीं कर पाएंगे यार शूट, गोली वोली लेके आया हूँ, एक पैरासीटामोल है, एक चेस्ट एंड कोल्ड है, पैरासीटामोल और चेस्ट एंड कोल्ड से ये है कि थोड़ा ये जो बुखार वगैरह और खांसी जुकाम और गले ख़राब की दिक्कत है, थोड़ा आराम पड़ जाएगा। शूट तो छूटा ही छूटा गाइस, अब कल यूट्यूब के इवेंट पे जाना है, पता नहीं भाई सुबह तक आराम पड़ेगा तो पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँच पाऊँगा, देखो क्या होता है क्या नहीं। और अब 12 बजते ही चीनू का बर्थडे भी है, अब पता नहीं चीनू और शायद रस्ते में आने लग रहे हैं, अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या सेलिब्रेट करने बाहर जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा। गाड़ी का भी टायर फट गया, देखा ना आपने, एक्सयूवी का टायर फट ही गया, जिसमें दिक्कत थी आगे वाले में उसमें नहीं आई प्रॉब्लम, नया टायर पीछे का फट गया, बताओ क्या करे भाई। अब विनय की गाड़ी में स्क्रैच आ गई भाई, नई गाड़ी में, नई सुपर कार में, बताओ क्या करे भाई। अब शूट छूट गया, बताओ क्या करे भाई। अब तबीयत खराब होगी मेरी, बताओ क्या करे भाई। अब हैं भाई क्या करे, क्या हो गया, एकदम से सब ठीक चल रहा था फिर पलटी मार गया, क्या हो गया, मौसम चेंज की वजह से हुआ है, खैर तबीयत खराब तो, लेकिन बाकी चीज़ें क्या हो गया भाई, क्या करे फिर अब, हैं पता नहीं भाई। अभी एक बार मैं चाय और ये बिस्कुट खा के दवाई ले लूँ, फिर देखते हैं कुछ फर्क पड़ेगा, आराम लगेगा या नहीं। तो गाइस चीनू आ गई है, हैप्पी बर्थडे चीनू भाई, एग्जैक्ट 12 बजे हैं जस्ट अभी, हैप्पी बर्थडे चीनू, मेरी तबीयत खराब होगी, मम्मी जी नमस्ते। और कौन आया, स्वाति आई है, हाँ। भाई देखो गाइज देखो, मेरी तो हिम्मत नहीं है व्लॉग बनाने की, चीनू का बर्थडे सेलिब्रेशन, आप चीनू के व्लॉग, तू बना रही है व्लॉग, हाँ। चीनू के व्लॉग में देख लेना और मम्मी के व्लॉग में देख लेना, मेरी तरफ से चीनू का बर्थडे गिफ्ट यही है गाइज, चीनू का जाके सब्सक्राइब कर लो बोलना भी नहीं जा रहा, सब्सक्राइब कर लो गाइस चीनू को। क्या हुआ तेरे को? तबीयत खराब होगी क्या, फूड पॉइजनिंग? नहीं यार, ए पहले सुनते ले उसकी, वही मौसम चेंज की वजह से गला खराब, नाक में दर्द, गले में दर्द और पूरा वो। तो गाइस चीनू को इसका बर्थडे गिफ्ट आप यही दे देना, चीनू का चैनल सब्सक्राइब कर लो, भावना रोजा नाम से चैनल है, ठीक है। इसका सेलिब्रेशन वगैरह, इसके गिफ्ट्स वगैरह भी आए हैं, जो भी आए हैं चीनू के व्लॉग में और मम्मी के व्लॉग में देख लेना, ठीक है। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। मैं तो रेस्ट करूंगा केक कटवा के, और कल यूट्यूब के इवेंट में जाना है। चलो कल सुबह मिलेंगे 11 बजे नए व्लॉग के साथ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये रहा मेरा यूजर नेम, और सारे खुश रहो, बोलो जय श्री राम, बाय।